मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अपने जो YouTube चैनल है उसको ग्रो करने में कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, कितने हफ्ते लगते हैं। आपने आज चैनल बनाते हैं, आप बोलते हो सुफियान भाई मैंने चैनल बना लिया, लेकिन मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। मैं एक चैनल में एक व्यूज भी नहीं आया, मैंने एक वीडियो डाली, मैंने दो वीडियो डाली, मैंने तीन वीडियो डाली, मैंने चार डाल दी, मैंने पाँच डाली, मैंने सौ डाल दी, पचास डाल दी, कितनी भी डाल दी आपने, और व्यूज़ जो है वो जीरो है। तो ऐसा क्यों होता है, और हमारा जो चैनल है उसमें व्यूज़ क्यों नहीं आए, और कितने दिन लग जाएगा मुझको अपने चैनल को ग्रो करने में, और इसमें यूट्यूब के जो फंडामेंटल है और ये नई पॉलिसी है उसके मुताबिक कितना टाइम लगता है एक चैनल को ग्रो होने में। सो ये सब बताने से पहले आपको लाइक करना तो लाजमी है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना है, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस भी मैं अक्सर लाते रहता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम और अपना तारुफ करवा कर फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सुफियान है। मेरी वीडियो में क्वालिटी नहीं मिलती, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो जिसको नॉलेज चाहिए होता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, और जिसको क्वालिटी चाहिए होता है वो हाई क्लास यूट्यूबर की ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्वालिटी की बात नहीं करता, लेकिन ये है नॉलेज की बात करता हूँ। सो नॉलेज के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आपका जो चैनल है वो ग्रो कैसे होगा। देखो यूट्यूब की, देखो आप एक मार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहाँ हर जगह का कोई ना कोई निज़ाम होता है ना। ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया जो है हमारी, जो हमारा वर्ल्ड है, तो इस पूरा आज जो है इसका भी कोई ना कोई निज़ाम है। तो यूट्यूब का क्या निज़ाम है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। तो हाँ, यूट्यूब का क्या निज़ाम है, तो YouTube का निज़ाम बहुत सिंपल है कि आपने एक दिन में आप सोचते हो या एक दिन में मैंने वीडियो डाले इसमें व्यूज़ नहीं आए, दूसरे दिन मैंने वीडियो डाला फिर व्यूज़ नहीं आए, तीसरे दिन डाला तो व्यूज़ नहीं आए। आप पहले ये देखो, आप कुछ भी सर्च कर दो, आपने YouTube में गए गूगल ऊपर सर्च का बटन है, वहाँ हमने सर्च किया कि हाउ टू ग्रो योर चैनल कैसे, या कुछ भी इतनी सी आपने सर्च, कोई फिल्म लिख लिया, कोई गाना लिख लिया, तो गाने को तो फिर भी व्यूज़ आ जाते हैं अपने। कोई फिल्म लिख लो, कोई भी टॉपिक में आपने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद या आप हाउ टू गेट रिच, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस टाइप की भी चीज़ आप सर्च करते हो, तो उसमें तो सबसे चीज़ पहले देखने वाली चीज़ है वहाँ उसके नीचे। सबसे पहले बंदा कोई भी वीडियो क्लिक कैसे करता है कोई भी चीज़ को, वो है 1 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन व्यूज़ या हाइएस्ट व्यूज़ हो, तो उस वीडियो में लोग सबसे ज़्यादा क्लिक करना पसंद करते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, वहाँ आपने नोटिस किया होगा, 1 ईयर ईगो, 2 ईयर ईगो, 3 ईयर ईगो, 4 ईयर ईगो, 5 ईयर ईगो, 6 ईयर ईगो। ये जो ईगो है ना, यही ईगो है। मतलब ये कि आपने एक वीडियो डाला, आपकी वो वीडियो पहले एक हफ्ते में रैंक नहीं करेगी, दो हफ्ते में रैंक नहीं करेगी, तीन हफ्ते में रैंक नहीं करेगी, एक महीने में रैंक नहीं करेगी, 6 महीने में रैंक नहीं करेगी, 1 साल में रैंक करेगी। 1 साल के बाद वो वीडियो पुरानी हो जाती है और वो आपको ज़रूरत ही नहीं है अपनी वीडियो को ग्रो करने की, वो ऑटोमेटिक यूट्यूब आपकी ग्रो कर रहा होता है। आप मसाल के तौर पर आपने आज आपने एक वीडियो डाली, तो वो 1 साल के बाद वो वीडियो ग्रो होने लग जाती है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमने पैसा अभी डाला, लेकिन वो उसका जो रिटर्न है, उसका जो पैसे का मुनाफा है, वो 1 साल बाद मिलेगा। तो आप कैसे, कोई जो नए नए यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं, एक वीडियो डाला, दो डाला, तीन डाला, वो डालते नहीं है, मुसलसल नहीं करते थे, और भी वो छोड़ देते हैं। और रिसेंटली मैं अपना एक दोस्त था, दोस्त का नाम, उसने क्या किया, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी अच्छी, बिल्कुल पीछे साउंड वगैरह लगाया, सही ओकी कर रहा है, वो थोड़ा इंफॉर्मेशन उसके हवाले से नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाता था, तो डाला डाला डाला, एक डाला, दो डाला, तीन डाला, उसने तकरीबन 45 या 48 वीडियोस डाल दी, तकरीबन लग के 2-3 महीने डाला, ठीक है। तो मुश्किल से 2-3 महीने में उसके 100 व्यूज़ आए और फिर आने बंद हो गए, तो अब वो डीमोटिवेट हो गए, भाई मेरा ना चैनल में व्यूज़ नहीं आए, तो मैं ये करूँ, फिर उसने डालना छोड़ दिया, फिर उसको एक जॉब मिल गई, जो जॉब में लगाया जॉब करते रहा। तो जब जॉब करते रहा तो 1 साल के बाद अचानक से उसका वो ईमेल उसने खोला, वो ईमेल फिर उसने चैप्टर डिल भी कर लिया था, मोबाइल रिसेट कर लिया था, तो इसी बात से वो ईमेल दोबारा उसको उसका पासवर्ड वो भूल गया था, याद आया, तो उसने खोला और खोल के जब उस चैनल में गया, तो वो चैनल की 5 वीडियो हाइस्ट रैंक कर दी, मतलब कि किसी में 1 मिलियन व्यूज़ है, किसी में
5 लाख व्यूज है, किसी में 8 लाख व्यूज है, किसी में 3 मिलियन व्यूज है। तो मैंने उसकी लास्ट जो हाईएस्ट रैंकिंग थी वो 3.1 मिलियन व्यूज थे उसमें, और सब में किसी में 1 ईयर लिखा हुआ है और सब में 1 ईयर लिखा। तो और मुसलसल हर दिन वो वीडियो में रैंक हो रही थी वो वीडियो, और मुसलसल आपके 500, 400, 600, 1000 व्यूज उस चैनल में गिर रहे थे। तो वो देख के हैरान हो गया, बोला यार ये क्या। फिर उसने फिर क्या किया, उसको भी मोटिवेशन आई, उसने फिर उसको फिर पता चला था यूट्यूब का ये तरीका है कि 1 साल के बाद आपकी वीडियो को प्रमोट करता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कोई आपने कमेंट आप करते हो तो फोई तो हमें उस कमेंट का, मैं आपने किसी भी यूट्यूब में वीडियो में कमेंट किया तो उसके पीछे आप कोई लोग आपके कमेंट को लाइक कर रहा होता है, 1-2 दिन में आपकी लाइक आए होते, कोई आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहा होता है, मतलब कि वो उस वर्क उसकी वीडियो हर बंदे के बाद जा, वो वीडियो हर बंदे के बाद जा रही है। तो इस वजह से वो बिल्कुल रैंकिंग वीडियो है, जिस वजह से आपकी ने जैसे कमेंट करेंगे फोई तो हमें कोई बंदा भी उसी वक्त देख लेगा। और उसमें मतलब कि ये नहीं देखना भाई कि ना मैंने ना अभी डाला तो आज 1 आएगा 2 कल आएगा 3 ऐसा नहीं। YouTube क्या करता है, 1 हफ्ते में आपको मिलियन पहुंचा सकता है, 1 हफ्ते में, क्योंकि उसके लिए तो ऑडियंस के पास ऑलरेडी है, वो 1 हफ्ते से आए तो वो 1 मिलियन लोगों को दिखाते हैं YouTube की वीडियो आपकी, और 1 मिलियन व्यूज आ जाए। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको 10 मिलियन या 20 मिलियन लोगों को दिखा देता है, इंप्रेशन लिया जाता है, तो उसमें से रीच आ जाएगी आपकी अच्छा से अच्छा 1-2 मिलियन रीच आ जाएगी आपकी आराम से, वो YouTube के ऊपर है। और YouTube दिखाएगा कब, जब आपकी वीडियो 1 ईयर वीडियो हो जाएगी। तो एक और मैं वीडियो जो मैंने कोई मेरा दोस्त वगैरह नहीं, मैंने YouTube में देखा हाउ टू स्पीक इंग्लिश नहीं हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू। सो ये वाली एक वीडियो थी भाई, काफ़ी पानी उसे 3 साल पहले डाला था, तो आज उसकी वीडियोस 2.3 मिलियन है। तो उस वक्त उसने डाला, उसने अभी जैसे मैंने बताया उसने अभी मुसलसल डालता 102 वीडियो में उसने स्टॉप कर दिया था, और उसके बाद उसने अपने दूसरे काम में लगाया और फिर उसके चैनल से उसके व्यूज हाई हो गए। तो YouTube कोई 1 दिन का या 1 महीने का गेम नहीं है, 1 साल तक आप लगातार, मैं बोलता हूँ वो रेगुलर कम से कम 1 वीडियो आप डालो, रेगुलर डालो, मुसलसल कर डालो। ये नहीं कि इतवार आ गया, हॉलीडे आ गया, छुट्टी नहीं, छोटी सी वीडियो डालो, मुसलसल डालो। अब मैं अपनी चैनल की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी इस चैनल को बनाया 1 महीना हुआ है, मैंने इसमें तकरीबन 750 वीडियो इस वक्त डाल चुका हूँ, 750 वीडियो पर देगा। मैं ये भी सोचता है कि मैं 30-40 वीडियो अपलोड कर दूँ, वो सुनने में बहुत ज़्यादा है लेकिन यही हकीकत है। वजह ये है कि मुसलसल मैं डाल रहा हूँ आने वाले, और मुझको एक वीडियो भी मुझको मैं नहीं आते तो मुझको फ़र्क नहीं पड़ जाता। वजह ये कि मुझे पता है अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो अभी नहीं आएगा व्यूज, 1 साल के बाद मेरी वीडियोस ग्रो होने लग जाएगी। ठीक है, और जो मेरी नई वीडियोस आते रह जाएगी वो उसके 1 साल के बाद होगी ग्रो, मतलब हर साल एक नया। अब एक फिल्म बनती है, एक फिल्म 1 साल पहले बनती है, शायद उसकी शूटिंग हो चुकी होती है, जो हीरो होता है वो दूसरी फिल्म की तैयारी करता होता है, वो दूसरी फिल्म की तैयारी करता होता है, लेकिन वो दूसरी फिल्म बना रहा होता है, उसकी शूटिंग चल रही होती, लेकिन जो पहले वाली मूवी है वो सारा थिएटर में लग जाती है और वो हिट हो जाती है, हिट हो जाती है और पब्लिसिटी हो रही होती है उसकी, और पहली वाली वीडियो भी मूवी। तो यही है सिलसिला, 1 साल एवरेज आपका, आप एक तरह का बिजनेस समझो, एक कारोबार ना, कारोबार में भी अप एंड डाउन होते होते 1 साल के बाद वो संभल जाता है, वैसे ही ये आपका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में आपने वीडियो डाली, 1 साल आपको लगे का एवरेज को ग्रो होने में अपनी चैनल को, और एक बार मुसलसल आपने वीडियो डालते ही यकीन जानो 1 साल के बाद जब आपकी वीडियोस में व्यूज़ आएगा ना, जब दुनिया आपको जानेगी, आपको मैं बड़ी बात नहीं बोलता लेकिन इतने लोग जानने लग जाएंगे ना कि आपको बाहर निकलने में भी ना एक अजीब सा ऐसा ना कोई मुझको पहन ले या कुछ कर ले मेरे साथ या ऑडियंस ना ले, अचानक से इतने सारे लोग जाने लग जाएंगे। एक वक्त ऐसा होगा 1 साल का मुसलसल डाल लो, कोई वीडियो नहीं डाल रहा, कोई मुझको नहीं जान रहा, कोई मुझको नहीं जान मैं कौन हूँ क्या हूँ मेरा नाम क्या है। अक्सर लोग बोलते हैं यार तुम्हारी वीडियो, मैं ही अपनी बात बताऊँ कि ना मैं ना जो नाम है काफ़ी बड़ा है, मैं सैयद ऐसी में मेरा नाम है सैयद मोहम्मद सुफियान, तो मैंने इसी नाम से चैनल बनाया है। तो लोग बोलते हैं यार इतना लंबा नाम है तुम्हारा तो उसको तब्दील कर लो, छोटा कर लो, ये कर, भाई जो पूरा नाम है मेरा वो है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन आएगा तो लोग उसको सैयद मोहम्मद सुफियान के नाम से जानेंगे, जो मेरा अपना नाम है, जाती नाम है, उसको क्यों तब्दील करूँ, उसको छोटा क्यों करूँ, उसको एक पूरा नाम है, मैं पूरा नाम में रखूँगा। तो यही सीख है,
तो आप ये नहीं करो नाम क्या है क्या है, मुसलसल का डालते हो डालते हो डालते हो डालते हो डालते हो और डालते हो मुसलसल डालो। और एक साल के बाद जब आपका ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपको किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत किया होगा, तो आप इतनी पब्लिसिटी आप क्योंकि आपको यूट्यूब शायद एक सेकेंड में मैं आपकी एक वीडियो में मैं 1 मिलियन व्यूज़ ले आएगा और हर कोई आपको जाने लगा ऐसे कैसे फला फला बंदा जाए फला बेटा जाए ये जाए वो जाए, तो अरे ये तो अपने मोहल्ले का बंदा अभी ये तो ये अभी ये तो ये, तो ये आम बात है यूट्यूब छटके में करता है, लेकिन वो करने में मुसलसल एक साल लगता है। हाँ इसका एक साल का ये मतलब नहीं है कि एक साल में आपकी वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आएंगे, जब मुसलसल एक काम करते हो उतना तो एक पत्थर होता है पत्थर, तो उसके ऊपर ना एक बूंदे गिरते हैं ना गिरते रहे बार बार, तो पत्थर को मैं भी ना स्वाग कर देती है, और यही ज़िंदगी का लाइफ हिस्सा है। तो मुसलसल आपने करते ना एक साल तो भूल जाओ, एक जीरो व्यूज़ भी आते ना आपके भूल जाओ, लोग बोलते हैं यार मेरा चैनल डेड हो गया, मेरा चैनल ये हो गया, मेरा चैनल वो हो गया, मेरे पास व्यूज़ नहीं आया ये नहीं, अरे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, डेड कैसे होगा। आप आज डालो मैं बोलता हूँ आप 100 डालो, आप 300 डालो, आप 1000 व्यूज़ वीडियो डाल दो, वो कैसे डेड होगा। आप बोलो यार मेरे चैनल में व्यूज़, लोग बोलते हैं मेरा चैनल डेड हो गया, लोग यूट्यूब दिखा दिया, नहीं दिखाया दिखाएगा, वो हो सकता है आपने कुछ उसमें पॉलिसी वायलेंस कर दी हो या कुछ भी कर दी तो वो नहीं दिखाएगा, लेकिन 3-4 महीने बाद वो तो मेरे दिखाने लग जाएगा, क्योंकि 3 आपकी कोई डिस्क्लेमर भी आ जाए उसमें 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक दिखाने लग जाता है, दिखाएगा वो कभी ना कभी तो दिखाएगा, और उसको दिखाने में सेकंड नहीं लगता, वो एक वो चाहे तो एक दिन में ही सब बंदों को दिखा के आपको महसूस आ जाता है। और होते हैं ऐसे बहुत से यूट्यूबर है जो कि मतलब 1 साल 1.5 साल उन्होंने मेहनत की, एक ऐसा यूट्यूबर है जिसको तो आप जानते हो मिस्टर हाओ, जिनसे मैं उनकी वीडियोज़ को मैं नहीं देखता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक दो वीडियोज़ मैंने देखी होगी उनकी, लेकिन उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी उसमें उन्होंने बोला था कि मैंने 10 महीने तक काम किया, और एक आप कहीं जॉब करते हो 10 महीने तो वहाँ आपको सैलरी मिलती है कितनी कितनी भाई 20,000 30,000 40,000 50,000 मिलती है भाई सबको मिलती है, तो उसने भी 10 महीने उसने यूट्यूब में काम किया और उसको सैलरी कितनी मिली 5,000 बस, 10 महीने का फल क्या हुआ 5,000। लेकिन आज भाई बंदे की जो चैनल के सब्सक्राइबर है वो है 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ, तो उसने ऐसे ही बोला था कि मैं जैसे हिम्मत मतलब जो बंदा उस वक्त आकर गिफा हो जाता है यार मैंने इतना मेहनत किया फल नहीं मिला पैसे नहीं मिले कुछ भी नहीं मिला, तो उसे उन्हें गिवअप नहीं किया, उसने हार नहीं माना, उस वक्त भी मुसलसल डालता रहा और एक तो से 12 से 16 महीने के बाद तो उसको रिजल्ट मिलने लगे हुए, फिर वो 5,000 भी बराबर 10 हुआ 15 हुआ 20 हुआ 30 हुआ 40 हुआ 50 हुआ और आज वो लाखों रुपये करोड़ रुपये पर मंथ कमा रहा है। 1 मिलियन व्यूज़ का मतलब आप जानते हो कि आपके जो वीडियो में एक महीने में 1 मिलियन भी आपके व्यूज़ चले जाते हैं तो आप एवरेज 3-4 लाख रुपये आसानी से कमा सकते हो, एक आम बात। तो वो अभी कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, जो उसने उस वक्त हार नहीं मानी थी मुसलसल उसने डालते रहा छोड़ा नहीं, आपने भी ऐसी करना है हार नहीं मानना, और ऐसे आपके चैनल ग्रो होते हैं और इतना ग्रो होगा कि इस वक्त बोलते हैं ना यार अमीर होना सब चाहते हैं लेकिन सब होते नहीं है, दुनिया में 100 में से 1% लोग अमीर होते, क्यों वो 1% लोग मेहनत ज़्यादा करते, वो हार नहीं मानते कहीं भी, हार नहीं, वो मुसलसल करते रहते उनको रिजल्ट मिले ना मिले उनको पता है कि मैं 1 साल में नहीं होगा 2 साल लगेगा, 2 साल में नहीं होगा 3 साल में, नहीं एक वक्त आएगा कि यूट्यूब को मजबूर कर दूंगा मैं कि मेरा चैनल ग्रो करो। तो इसी के साथ वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी, नॉलेज हल्की सी भी मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसके साथ मैं और भी बहुत सी वीडियोस लाते रहता हूँ, अपना ख्याल रखे दुआ में याद रखे आप लोग, अपना सैयद मोहम्मद सुफियान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।